प्रीव्यू। आदाबर से महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतों से गुफ्तगू करते हैं जो अपने जिन्होंने समाज में अपना कुछ मुकाम बनाया, कोई काम समाज के लिए किया, उनके तजुर्बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, जो एनसीपी महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भी है, और औरंगाबाद के नाम की तब्दीली की जो कमेटी बनी थी वो कमेटी के भी सदर है। तो शुरू करने से पहले मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि मैं अपना नाम भी बदल लूँगा, मैं अपना नाम भी बदल लूँगा, गर तुम वादा करो कि नाम बदलने से हालात बदल जाते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। क्या हालात है मुल्क के? हालात बहुत अच्छे और साजगार नहीं है। जो आज हमारे सामने मसाइल का तो अंबार इस मुल्क में इस वक्त है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी आम हो चुकी है, महंगाई ने 75 साल के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, शेतकरी आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेबर और इंडस्ट्री काम करने वाले लोग हैं सब बेकाम हो गए, घरों को बैठ गए हैं। ऐसे इतने संगीन मसाइल देश के सामने होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय इन मसाइल से तवज्जो हटाकर अपने वोटर्स को खुश करने पर लगी हुई है। उसी से रिलेटेड विषय हमारे सामने आ जाए कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की मुहिम चलाई जा रही है। शहरों के नाम बदलना बहुत अच्छा काम नहीं है। हुकूमतें शहरों के लिए, रियासतों के लिए, मुल्क के लिए डेवलपमेंट का काम करने के लिए बनाई जाती हैं, लोगों में इत्तेहाद इत्तेफाक रखने के लिए बनाई जाती हैं, मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो मुल्क से इत्तेहाद को पारा पारा करना, लोगों को आपस में लड़वाना और सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल मकसद गेन करना इस हुकूमत का मकसद रह गया। उसी की एक कोशिश के तौर पर आज औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की इन्होंने हुकूमत ने फैसला किया। पहले तो यह है कि 1995 में इस मामले में हुकूमत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उठाव पास की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, ये कहते हुए कि क्या महाराष्ट्र के सारे डेवलपमेंट काम हो गए। और फिर ये कहा, यही इसी तरह की कुछ बातें कल या परसों दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कुछ लोग हैं जो हालात को उबला हुआ रखना चाहते हैं ताकि उनको सियासी फ़ायदा हो। जो हुकूमत है वो नीडर होकर काम कर रही है, क्योंकि अपोजिशन कहीं भी स्ट्रांग नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है। तो आपकी पार्टी भी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और ऐसी कहीं बहुत सी जमातें हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और चूंकि आघाड़ी की सरकार में जाते जाते ये नाम का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था जिसमें एनसीपी भी शामिल थी। नहीं, महाराष्ट्र जाते जाते उद्धव ठाकरे की जो आखिरी कैबिनेट थी उसमें उन्होंने ठराव पास किया, और ठराव भी ऐसे पास किया कि आखिरी कैबिनेट थी और आयन वक्त पर उन्हें कोई एजेंडे में ये विषय नहीं था। आयन वक्त पर कैबिनेट ने विषय को लिया। कैबिनेट के अंदर जो डिस्कशन होता है आम नहीं होता, वहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिनिस्टरों ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया कि ये तो आज कैबिनेट एजेंडे में नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरी आखिरी कैबिनेट है और मेरे बाप यानी पिताजी ने ये वादा करे गए थे मुझे ये काम करना है। और चूंकि कैबिनेट डिसीजन ला चर्चा सब्जेक्ट पर होती है, लेकिन फैसला चीफ मिनिस्टर लेता है। उन्होंने एक तरफा फैसला लिया और एक तरफा फैसला लेकर उनकी गवर्नमेंट चलेगी। कुछ दिन बाद शिंदे सरकार आई। शिंदे सरकार के सिर्फ दो आदमी की कैबिनेट थी, जबकि कोई भी डिसीजन के लिए एक्ट कहता है कि कम से कम 12 से ज़्यादा मिनिस्टर होने चाहिए। इन दो मिनिस्टरों ने डिसीजन ले लिया और उसके बाद असेंबली में बिल पास कर शिंदे सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिफारिश की है, उद्धव ठाकरे सरकार ने नहीं की। लेकिन वो सिफारिश करने के लिए रूल्स हैं गवर्नमेंट के बने हुए कि पहले आप ठराव पास करके अवाम में जाएँ, अवाम के ऑब्जेक्शन सजेशन लें,
और उसके बाद कोई आप फैसले पे पहुंचे तो फिर सुप्रीम को सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सारे कानून को बालाए ताक रखकर डायरेक्ट ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान भी लिया और सब कागजी तक कार्रवाई भी कंप्लीट हो गई है। आपका जो केस है हाईकोर्ट में जो है, तो वो उसकी क्या पोजीशन है और आप किस तरह देखते हैं कि आपको इंसाफ मिल सकता है? देखिए, हमारा केस 6 महीने से, यानी उद्धव ठाकरे ने जैसे डिसीजन ली हमने उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में फाइल दाखिल की, क्योंकि हमको मालूम था ये गवर्नमेंट की नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन 6 महीने में 12 कोर्ट के कहने पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई जवाब दाखिल नहीं की। 24 तारीख को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक नोट हाईकोर्ट में मेंशन किया गया कि हमको जवाब देने की मुदत बढ़ा कर दी जाए। तो हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जब 27 तारीख इस मसले पर रखी गई तो 27 तारीख को इस पर बहस होगी, और उन्होंने उसको तारीख बढ़ाकर नहीं दी। 24 तारीख की सुबह सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, 24 तारीख की शाम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गैजेट जारी कर दिया। यानी इतनी तेजी तो किसी इमरजेंसी काम में भी ये लोग नहीं कर, फटाफट ये दोनों डिसीजन हो गए। जबकि आज ये मैटर जो सब्जुडाइज है, जो मैटर कोर्ट में रहता है उस कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना पड़ता है गवर्नमेंट को। कैबिनेट भी नहीं कर सकता है उसको, नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने एक तरफा नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो इसके माने ये है कि ये जो आज हुकूमत में बैठे इनके पास कोर्टों की कोई वैल्यू बाकी नहीं रही, ना वो कोर्ट के सवालों के जवाब देते हैं, ना कोर्ट में जवाब दाखिल करते हैं, ना कोर्ट की पैरवी फैसलों का इंतजार करते हैं, बल्कि अपने फैसले खुद मुख्तारना कर रहे हैं। अब रह जाता है मसला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में अदालतों के इंसाफ का, और हमारे लिए तो जब रियासती गवर्नमेंट मरकजी गवर्नमेंट दोनों ही हम ख्याल हैं, दोनों भी ये फिरका परस्ती के जज्बों पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी। उनको फिरका परस्त रहना ज़रूरी है क्योंकि उनका एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक उनको वोट हासिल करना है। आने वाले 2023 में भी इलेक्शन है, 24 में भी इलेक्शन है। क्या नाम बदलने से, शहरों के नाम बदल जाने से हालात तो नहीं बदलते? ऐसा तो नहीं है कि किसी एक फिरके को नाम बदल जाने के बाद GST में छूट मिल जाएंगे, एक फिरके को बदलना पड़ेगा, एक फिरके को पेट्रोल फ्री में मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, या अनाज सस्ता मिलेगा किसी को और किसी को नहीं मिलेगा? तो हालात जू के तू है, और आपका जो केस कोर्ट में मौजूद है 27 मार्च आज उसकी डेट है, उसके बाद आप अगर हाईकोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, हाईकोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरा कोई अल्टरनेट हमारे सामने है नहीं। और मीनवाइल अभी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए किया है, तो हमने भी सभी औरंगाबाद शहर ज़िला और मराठवाड़ा के लोगों ने सभी अपील किए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन दाखिल करके गवर्नमेंट सामने रखिए। एक तो ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए जाएंगे, उसकी हेयरिंग होगी, उस हेयरिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट किसी नतीजे पर पहुँचेगी, और जब तक सुप्रीम हाईकोर्ट का भी फैसला आएगा। अगर हाईकोर्ट में हमारे माफ़ीखत में फैसला नहीं होता तो हम अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की इसलिए उम्मीद है कि 1995 में भी जब हाईकोर्ट औरंगाबाद ने हमने जो अपील दाखिल की थी तो हाईकोर्ट औरंगाबाद ने कहा कि आप प्रीमैच्योर आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमको इमीडिएट स्टे दिया कि नहीं, ये मसला अर्जेंट है। तो हमको आज भी अदालत आलिया से उम्मीद है इंसाफ की, और इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो अदालतें आजकल काम कर रही हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श काम करे ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए कि जजेस को भी लालच दी जा रही, किसी को प्रमोशन की लालच दी जा रही, किसी को रिटायर होने के बाद MP बनाया जा रहा, किसी को गवर्नर बनाया जा रहा, किसी को कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया जा रहा। तो ये यानी इंसाफ को भी अब खरीदने की कोशिश हुकूमतों की तरफ से हो रही है, तो इस मुल्क में ये मुल्क कैसे चलेगा? जो मुल्क तारीख गवाह है कि जिस मुल्क से इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो हुकूमतें कायम नहीं रहती। तो आपको उम्मीद नहीं है कि हुकूमत यानी जहाँ पर इंसाफ के लिए जा रहे हैं आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा उम्मीद नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, तो इस उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं, लेकिन किस हद तक हमारी उम्मीद पूरी होगी इसके बारे में हम मुतमईन नहीं हैं। मुश्ताक साहब, के जहाँ पर अकलियतों पर इस तरह की जो ज्यादतियाँ हो रही है और जो नाइंसाफियाँ हो रही है, उसको लेकर कोई भी ऐसा एक लीडर नहीं है नज़र आता है, कम से कम महाराष्ट्र में तो, और हिंदुस्तान में की हम बताएंगे कि जो अकलियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ा हो, अकलियतों की बात करे और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए रास्तों पर और आईवानों तक पहुँच कर उन लोगों को बताए कि हम अभी ज़िंदा है। क्यों, क्या वजह है? अकलियतों के मसाइल पर आप
कौन से लीडर चाहते हैं आप? अखिलियतों का चाहते हैं या अखिलियतों का लीडर ही होना चाहिए ना, अखिलियतों की आवाज़, क्योंकि अखिलियतों के जो आवाज़ जो दर्द है वो आप जैसे लीडर ही समझ सकते हैं। तो जहाँ तक अखिलियतों की लीडरशिप का मसला है कि आप जानते हैं कि अखिलियतों को हिंदुस्तान में एक तो कई सेक्युलर कई अखिलियती मुस्लिम लीडरशिप सेक्युलर पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट है, और अभी अभी महाराष्ट्र में एक दाखिल हुई MIM पार्टी है जो आज औरंगाबाद के MP भी उनके मौजूद हैं। ये पार्टी के यहाँ भी MP है, उनके वहाँ भी MP है, होना तो ये चाहिए था कि दोनों MPs ने मिलकर पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, होम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए था, हो सके तो आल पार्टीज़ या अवामी नुमाइंदों का एक डेलीगेशन लेकर जाना चाहिए था। ये जो जमहूरियत में जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस में जो उन्होंने काम किया जाना चाहिए वो हम ऐसा लगता है कि वो नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का आदमी हूँ, अगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग एलिगेशन करें, एलिगेशन नहीं है ये, लेकिन जिसको जो हकीकत में काम नहीं हुआ, जिसको अवाम ने जो जिम्मेदारी दी है वहाँ से काम होना चाहिए था, इतना मैं कह सकता हूँ। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई अपनी मजबूरियाँ होंगी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई एक आदमी खड़ा हो, कोई एक ऐसा लीडर खड़ा हो जिसके पीछे अखिलियत अपनी उसके एक ऐसा आदमी हो जो अखिलियतों के दर्द की बात करे और हुकूमतों तक आवाज़ पहुँचाए? बेशक आपकी वजह से ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसकी चॉइस कौन करेगा? जो फील्ड सोशल जो सेक्युलर और सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक के पीछे अवाम को खड़े होना, आप भी हो सकते हैं, हो सकता है, इसीलिए तो पिछले 90 क्यों देर कर रहे हैं आप, क्यों रास्ते पर 1995 से तो मैं तो मुसलसल लड़ रहा हूँ, इशूज पर लड़ रहा हूँ, माइनॉरिटीज के खाली औरंगाबाद शहर के नाम ही के विषय पर नहीं, और महाराष्ट्र स्टेट में माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री होना चाहिए इसकी तहरीक हमने चलाई, मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होना चाहिए इसकी तहरीक हमने चलाई, माइनॉरिटीज कमीशन होना चाहिए इसकी तहरीक हमने चलाई, उसमें कामयाबी भी हासिल की हमने। लेकिन आज जो हुकूमत आई है सेंट्रल और स्टेट में और इन्होंने जहनीत को जो बदला है, तो अब सेक्युलर पार्टीज भी ये सोचने मजबूर हो गए उनके अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलियत की बात नहीं करते, उनको ऐसा लगे जो थोड़ा बहुत हमारे साथ अपरकास्ट हिंदू वोट है अगर हम अखिलियत की बात करते हैं तो हमारा ये वोट भी खिसक जाएगा। तो इन्होंने ऐसी जहनीत बना दी कि अब जो भी माइनॉरिटीज के इशू की बात करेगा उसका अपरकास्ट हिंदू वोट हट जाएगा, उनको लगता है ये डर आम हो गया। तो ऐसे वक्त में माइनॉरिटीज को अपनी जगह मुतहद होकर किसी एक लीडरशिप को लीडर को तो मानने का मिजाज हमारे माइनॉरिटीज में नहीं है, लेकिन इशू बेस जिस इशू पे जो काम कर रहा है उसके पीछे लोगों ने आना चाहिए। और आप जैसा जानते हैं 1995 से फिर इस इशू पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अवाम ने बोली भी तो काम कर रहा हूँ, नहीं बोली तो मैं कर रहा हूँ। अब मेरे सामने अदालत का रास्ता है, अदालत के रास्ते में आज 6 महीने पहले जबकि गवर्नमेंट ने कोई उस वक्त तक डिसीजन सिर्फ एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली थी, लेकिन मुझे मालूम था गवर्नमेंट की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने इमीडिएट जनवरी में जो है हम लोगों ने पिटीशन दाखिल की, उसमें मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ सेक्युलर हमारे अन्ना बहू खंडारे हैं, मेरे साथ दलित नेता राजेश मोरे हैं, हम तीनों ने मिलकर पिटीशन दाखिल की और हमको सेक्युलर लोगों का भी सपोर्ट है। अब अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। आपका इतना लंबा तजुर्बा सियासत में, आज के जो हालात है उससे निकलने के लिए या उससे किस तरह निकला जा सकता है ताकि अखिलियतें भी और जो हमारे दिगर समाज है दबे कुचले जो समाज जो है वो भी मुतमईन हो, वो सुख की सांस ले सके? अब ये तो आपने इतना बड़ा आपका सवाल है, इसका जवाब मुख्तसर में नहीं दिया जा सकता, आप अपना वक्त लीजिए। इसलिए कि सियासत जो रंग जो टर्न ले रही है, तो आज जो लोग इख्तदार में मौजूद हैं ये किस एक फिरके की बात करने जा रहे हैं और इसके इनके टारगेट पर खाने माने मुस्लिम से ऐसा नहीं है, हम मुस्लिम हैं, दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, OBCs हैं, ये सब के सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए, ये रास्ता है और वो सबको एक साथ आना पड़ेगा। आज हमारे पास ये जाए कि अगर दलित नेता को मिनिस्ट्री मिल गई तो वो उनके साथ हो जाते हैं, OBC को कुछ मिल गया तो वो उनके साथ वक्ती तौर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान इधर रहते हुए भी उधर हो जाते हैं, मुस्लिम भी इख्तदार के लिए आज सबको इधर उधर हो रहे हैं। तो इशू बेस आज सबने ये समझना चाहिए कि मौजूदा फिरका पार्टी मौजूदा सरकार जो है इसकी नीयत क्या है, इसकी नीयत पे जो लोग जो टारगेट करना चाहते हैं, इनकी आइडियालॉजी थोपना चाहते हैं, उस आइडियालॉजी के लिए मुत्तहद होकर लड़ना पड़ेगा। माइनॉरिटीज, दलित, क्रिश्चियंस, बैकवर्ड क्लासेस, OBCs, इनको एक जगह आना पड़ेगा। ये एक जगह आकर लड़ते हैं तो हम हिंदुस्तान चूंकि जमहूरी मुल्क है, यहाँ के फैसले वोटों पर होते हैं, अगर हम सब के सब मुत्तहद होकर
इस आइडियोलॉजी के खिलाफ जब वोट देने के लिए एक जगह आ जाएंगे तो यकीनन ये लोग नाकाम होंगे। आइडियोलॉजी के खिलाफ एक जगह आने की जरूरत है। औरंगाबाद के नामांतर नाम को लेकर जो बदला हुआ संभाजी नगर नाम रखा गया है, उस नाम को लेकर 27 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई है। देखना यह है कि कानून और इंसाफ मांगने वालों के बीच क्या लेन देन होता है। इस माहौल से निकलने के लिए जहां महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी गरीब और गरीब होता जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, कि इस तरह के कई मसाइल है, उन मसाइल को किनारे कर हमको हिंदू मुस्लिम के चक्कर में डालकर हुकूमत आराम से अपना वक्त गुजार रही है। सोचने की बात है, सोचना आपको भी है, सोचना हर उस समाज के हर उस इंसान को है जो थोड़ी बहुत समझ रखता है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है या कुछ समाज के लिए करना चाहता है। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, जय भीम, नमस्कार।